विकास के दावों की पोल खोलती तस्वीरें, विकास की उम्मीद में आस लगाए बैठे हैं ग्रामीण, नहीं मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ, आखिर कब होगा नगला मगार गांव का विकास। भले ही बीजेपी सरकार शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों में विकास के लाख दावे करती रहे, मगर इन विकास के दावों के हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। फरुखाबाद के नवाबगंज ब्लॉक के नगला मगार गांव के लोग विकास का आज भी इंतजार कर रहे हैं। गांव की हकीकत यह है कि यहां पर न तो पक्की सड़क है और न ही अभी तक इस गांव में पानी की कोई व्यवस्था हुई। आलम यह है कि इस गांव में मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी के बजाय चारपाई का इस्तेमाल करना पड़ता है और सुरक्षा के नाम पर पुलिस भी नहीं दिखाई देती। हालांकि नगला मगार गांव में पक्के शौचालय तो आसानी से देखने को मिल जाते हैं, मगर गांव के लोग आज भी कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें किसी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। सरकारी उसके जो है कोई सुविधा मिली या नहीं? कुछ नहीं मिली। नहीं आपको जो है कॉलोनी वगैरह या कुछ नहीं मिली? हमारी कॉलोनी साहब बनी, हमारी कॉलोनी बनी, सबकी कॉलोनी बनी है। तो आप यहाँ कब से रह रहे हैं? बहुत ही साल हुई, हमारी सारी उम्र हुई है यहाँ। ऐसे में रहते हुए? ऐसे में रहते। कोई सुविधा नहीं दी गई? कोई सुविधा नहीं। प्रधान से आपने कहा? कछु ना क्या। प्रधान से कहा नहीं आपने? कही तो है, कोई सुनवाई ना। कोई सुनवाई ना? आप एक पेड़ नहीं बत्ता हमें कहा दे दियो। तो प्रधान सब पैसा घोट जाते हैं? हाँ पैसा घोट जाते, 5,000 रुपया मन दे। काय के लिए? कॉलोनी के लिए, वो कुछ नहीं। 5,000 रुपये भी चले गए, कॉलोनी नहीं मिली? नहीं कुछ नहीं मिला। हमारे यहाँ सारी समस्याएं हैं साहब, हमारे यहाँ रास्ता नहीं है, बरसात में कीचड़ हो जाता है, बारिश का पानी भरा रहता है पुराड़ से लेके और हमारे गांव तक और मेहमतपुर से लेके हमारे गांव तक चारों तरफ रास्ता हैं वो कच्ची ही पड़ी हुई हैं साहब। और हमारे यहाँ स्कूल के बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते हैं बारिश के कारण, जल भराव रहता है और तालाब भी नहीं है, नालियाँ भी नहीं बनी हुई हैं और ये सारी समस्याएँ हमारे यहाँ साहब। और एम्बुलेंस वगैरह जैसे पेशेंट बीमार हो जाता है कहीं तो एम्बुलेंस नहीं आ पाती है, UP 100 नहीं आ पाती है साहब। ये सारी समस्याएं प्रधान को भी कई बार अवगत कराया गया, DM को भी कराया गया, तहसील दिवस में ही कराया गया और ब्लॉक स्तर से भी अधिकारियों को कराया गया, लेकिन अधिकारियों ने कभी कोई सुनाई नहीं की। गांव की हकीकत से तो आप वाकिफ हो चुके हैं, चलिए आपको जिला पंचायत राज अधिकारी का बयान सुनाते हैं, आखिर गाँव के विकास में किस तरह की अड़चने सामने आ रही है। देखिए जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो शौचालय का ग्रामीण क्षेत्र में जो निर्माण किया जाता है वो बेसलाइन सर्वे 2012 के अनुसार कराया गया था। इसमें 2 ग्राम पंचायतें ऐसी थी अभी दिन में हमारे द्वारा जो शौचालय में अनियमितता के केस में उन पर रिकवरी जारी की गई थी। एक नंगला केवल ग्राम पंचायत है, एक ग्राम पंचायत बिलसड़ी है। दोनों ग्राम पंचायतों के द्वारा जो धनराशि का दुरुपयोग किया गया वो ग्राम पंचायत के खाते ग्राम निधि 6 में जमा करा दी गई है। इसके अतिरिक्त अगर किसी ग्राम पंचायत में कोई भी इस तरह का मैटर संज्ञान में आता है कि वहाँ पे कुछ शौचालय के मामले में धांधलीबाजी की गई है ग्राम प्रधान या सचिव के माध्यम से, तो वहाँ पे जांच करके नियम अनुसार कार्रवाई की। मुझे इस संबंध में ये चीज भी अवगत करानी है कि क्योंकि अभी भारत सरकार ने जो 2012 के बाद या 2012 से भी पूर्व कुछ लाभार्थी ऐसे थे जिनका नाम बेसलाइन में सम्मिलित नहीं किया गया किसी कारणवश, तो उनका भी सर्वे अभी ग्राम पंचायत स्तर से मंगाने के उपरांत हमारे 145 नोडल अधिकारी जनपद स्तरीय लगे हुए उनके माध्यम से उनका सत्यापन कराया जा रहा है और ये सत्यापन 30 नवंबर 2018 तक पूर्ण किया जाना है और इसकी फीडिंग भारत सरकार की वेबसाइट छोटे व लाभार्थी में की जा रही है। तदउपरांत जो पात्र लाभार्थी पाए जाएंगे उनको प्रोत्साहन के रूप में ग्राम पंचायत को 12,000 रुपये शौचालय की दर से धनराशि जनपद स्तर से। अधिकारी ने तो विकास के कार्यों को जल्द ही शुरू करने का दावा कर दिया है, मगर बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत का कहना है कि वो अधिकारियों से बातचीत कर गांव में विकास कार्यों को जल्द शुरू कराया जाए। इस संबंध में मैं BDO से बात करूंगा और वो नगला बंगार जाएंगे और जाएंगे यथास्थित से उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे, इस पर काम अविलंब प्रारंभ कराएंगे। अधिकारी और सांसद ने तो विकास कार्यों को जल्द शुरू करने का आश्वासन दे दिया है, मगर गाँव से गायब हुई विकास की उम्मीद में ग्रामीण अभी भी आस लगाए बैठे हैं। ग्रामीणों को उम्मीद है कि देर से ही सही मगर गांव का विकास जल्द होगा। ऐसे में इन उम्मीदों के सहारे ही ग्रामीणों का जीवन यापन बदस्तूर जारी है। फरुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।